हेलो फ्रेंड्स, दिल से स्वागत करता हूं आप सभी का गवर्नमेंट जॉब्स जानकारी पर एक बार फिर से। जीपीएससी यानी कि गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से 2020 में बहुत सारे रिक्रूटमेंट हो रही है। जो आज नोटिफिकेशन निकली है ये बहुत खास रिक्रूटमेंट होने जा रही है। गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से बहुत सारे पोस्ट के लिए बहुत सारी वैकेंसीज निकली है। इसकी पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप जानने के लिए बने रहेगा इस वीडियो के आखिर तक। वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखने से ही आपका डाउट और सवाल क्लियर होंगे। तो बिना टाइम गवाइए चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ से लाल बटन को ऑन करके सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बगल में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब के अपडेट्स मिलते रहे हर दिन। तो बिना टाइम गवाइए चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन का रिक्रूटमेंट है 2020 में। इससे पहले भी एक वीडियो मैंने बनाया था जनवरी में, वो भी अच्छी रिक्रूटमेंट थी गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से। लेकिन मैं अपने मन से बताऊं तो ये बहुत ही खास रिक्रूटमेंट है। इसमें बहुत सारे पोस्ट है, जैसा कि डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, रीजनल फायर फाइटिंग ऑफिसर, जनरल मैनेजर, डीवाई जनरल मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, लेबर वेलफेयर ऑफिसर, प्रोग्रामर, जूनियर प्रोग्रामर, माइंस, सिरदर पोस्ट के लिए वेरियस वैकेंसीज निकली है। इसके लिए क्वालिफिकेशन की बात कर ली जाए तो 12वीं पास, बीई बीटेक पास, एमएससी, डीई बीसीए, जो भी कैंडिडेट्स तो आपके ग्रेजुएशन है थर्ड ईयर में फाइनल सेमेस्टर में है वो भी इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं आप। एज लिमिट की बात कर लिया जाए तो मिनिमम 18 साल, यानी कि 12वीं पास कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम 18 साल है। वही बात करिया जाए बी टेक, एम एस सी, डी बी सी ए कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम 21 साल की चाहिए होगा। आप जानते ही हो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एज लिमिट रखी गई है जीपीएससी की तरफ से। आपको जीपीएससी की नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ने के लिए उनके वेबसाइट में नोटिस बोर्ड है, वहीं से ही ये नोटिफिकेशन की इन्फॉर्मेशन मैं लाया हूँ। तो ये मत मानना कि ये फर्जी है, ये बिल्कुल ओरिजिनल अपडेट है। वही बात कर लिया जाए सिलेक्शन की, आपका प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू के तहत कर दिया जाएगा। वो तो जानते ही हो, जो भी जीपीएससी के एग्ज़ाम्स होते हैं आपका पहला तो प्रीलिम्स होता है, उसके बाद तो मेंस होता है। जो मेंस में ही सेलेक्ट हो जाए उनके लिए इंटरव्यू के कॉल्स आएंगे, उसके बाद ही आपका सिलेक्शन कर दिया जाता है। सैलरी के लिए एक बार नोटिफिकेशन चेक कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे पोस्ट है, बहुत सारे पोस्ट के लिए बहुत सारे वेरियस सैलरीज होंगे, तो एक बार ही चेक कर लीजिए ना। आप याद रख लें अच्छे पोस्ट के लिए, हाई क्वालिटी पोस्ट के लिए अच्छी सैलरी होंगी। आप ऑनलाइन में अप्लाई कर सकते हो, अप्लाई करने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया, वहीं से जाके अप्लाई कर लेना। अप्लीकेशन की फ़ीस की बात करी जाए तो अनरिजर्व जनरल ओबीसी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपये की है, रिजर्व कैंडिडेट्स के लिए, सॉरी दोस्तों यहाँ पे कुछ गलती कर दी मैंने, यहाँ पे अप्लीकेशन फ़ीस है जनरल कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपये की और रिजर्व कैंडिडेट्स के लिए कोई भी फ़ीस नहीं है। तो माफ़ कर दीजिएगा, यहाँ पे 500 रुपये नहीं है, ये सिर्फ 100 रुपये है जनरल कैंडिडेट्स के लिए। जॉब का लोकेशन है गुजरात। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करी जाए तो लास्ट डेट है अप्लाई करने का 11 फरवरी 2020। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.gpsc.gujarat.gov.in। तो एक बार ही आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन की पीडीएफ की तरफ ले जाता हूँ। गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट है ये, इसमें नोटिस बोर्ड में यहाँ पे इस रिक्रूटमेंट की अपडेट मिली है मुझे, आपको मैं नीचे लिंक प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, वहाँ से जाके अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो आई होप आपको ये नोटिफिकेशन पसंद आई होगी। और दोस्त चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हमें मोटिवेशन मिलता है और गवर्नमेंट जॉब के अपडेट्स आपके सामने लाने के लिए हर दिन। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना। आई होप आपको ये वीडियो, अगर रोज़ाना ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिए। इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले गवर्नमेंट जॉब के नोटिफिकेशन के वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।